नमस्कार, सुबह की खबरों में स्वागत है आपका। असम मिजोरम सीमा पर हिंसक झड़प में 6 जवान शहीद, आखिर क्यों हुआ विवाद। पोर्नोग्राफी रैकेट केस में एक और खुलासा, रैकेट का पता चलते ही राज कुंद्रा ने बदल दिया था फोन। अगरतला के होटल में प्रशांत किशोर की आई पैक की टीम से पुलिस ने की पूछताछ। हिंद महासागर में मिली प्राचीन ज्वालामुखी की भयावह आंख। दिल्ली में सुबह सुबह बारिश से मौसम हुआ सुहाना, पूरे हफ्ते जारी रहने के आसार। लंबे समय से सुलग रहा असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद 26 जुलाई को भयानक हिंसा के रूप में सामने आया। सीमा पर हुई झड़प में असम पुलिस के 6 जवान शहीद हो गए, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। दोनों राज्यों के बीच काफी समय से सीमा को लेकर विवाद चल रहा है। सीमा पार से लगातार हो रही गोलाबारी के बीच जंगल में मौजूद असम पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि कछार के पुलिस अधीक्षक निवालकर वैभव चंद्रकांत समेत कम से कम 50 कर्मी गोलाबारी और पथराव में घायल हो गए। तो वहीं सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने ट्वीट किया और उन्होंने लिखा, मुझे यह सूचित करते हुए बहुत दुख हो रहा है कि असम मिजोरम सीमा पर हमारे राज्य के संवैधानिक सीमा की रक्षा करते हुए असम पुलिस के 6 जवान शहीद हो गए। दरअसल मिजोरम की सीमा असम के कछार और हाइलाकांडी जिलों से लगती है। यहां जमीन को लेकर दोनों सूबे के बीच आए दिन तनातनी होती रहती है। पहाड़ी इलाकों में कृषि के लिए जमीन बहुत कम है, इसलिए जमीन के छोटे से टुकड़े की अहमियत बहुत बड़ी होती है। हालिया विवाद तब गंभीर हुआ जब असम की पुलिस ने अपना इलाका खाली कराने के लिए लोगों को खदेड़ा। पुलिस ने कहा कि ये लोग अतिक्रमणकारी थे। सीमा दौरे पर गई असम सरकार की टीम पर 10 जुलाई को एक आईईडी बम भी फेंका गया था। विवाद बढ़ता देख नई दिल्ली ने दखल दिया। दोनों सूबे के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशकों को दिल्ली बुलाकर एक बैठक कराई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 24 जुलाई को 2 दिनों के पूर्वोत्तर दौरे के लिए पहुंचे। 25 जुलाई को शिलांग में एक बैठक हुई, जिसमें गृह मंत्री के साथ पूर्वोत्तर के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। पोर्नोग्राफी मामले में आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब पूछताछ के दौरान पुलिस ने खुलासा किया है कि पोर्नोग्राफी मामले में फरवरी 2021 में तुल पकड़ना शुरू किया। इस दौरान राज कुंद्रा का नाम पहली बार सामने आया। पुलिस के माने तो जब फरवरी में पोर्नोग्राफी रैकेट का पर्दाफाश हुआ था, उस समय राज कुंद्रा ने तुरंत अपना मोबाइल फोन चेंज कर दिया था। मुंबई क्राइम ब्रांच के अफसर मामले की जांच बारीकी से कर रहे हैं। राज कुंद्रा को हिरासत में लिए जाने के बाद अब इस बात का खुलासा किया गया है। राज कुंद्रा और रायन थोरपे को मुंबई क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल ने गिरफ्तार किया है। दोनों की कस्टडी 27 जुलाई तक के लिए बढ़ाया गया। बताया जा रहा है कि जांच के लिए मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम राज कुंद्रा को ज्यादा दिनों के लिए हिरासत में रख सकती है। अगरतला के एक होटल में रुके प्रशांत किशोर की आईपैक की टीम से स्थानीय पुलिस ने पूछताछ की है। आईपैक की यह टीम राज्य की राजनीतिक स्थिति और तृणमूल कांग्रेस के लिए संभावित समर्थन आधार का आकलन कर रही है। टीएमसी की त्रिपुरा इकाई ने इसे लोकतंत्र पर हमला करार दिया है और कहा है कि पुलिस ने उन्हें उनके होटल में बंद कर दिया था। हालांकि पश्चिम त्रिपुरा के पुलिस अधीक्षक ने दावा किया है कि नियमित जांच के तहत अगरतला शहर स्थित होटल में 22 सदस्यीय आईपैक टीम के सदस्यों से पूछताछ की जा रही है। आईपैक की टीम रविवार रात से एक होटल में नजरबंद है, हालांकि पुलिस इसे नियमित जांच का हिस्सा बता रही है। उन्होंने कहा कि 23 सदस्यों वाली आईपैक टीम एक सप्ताह पहले राज्य में पहुंची थी और ग्राउंड जीरो पर सर्वेक्षण करने के लिए कई स्थानों का दौरा भी किया। हिंद महासागर के नीचे एक प्राचीन ज्वालामुखी की गहरी आंख दिखी है, जिसे आम भाषा में कालडेरा कहते हैं। इस कालडेरा को खोजने वाले वैज्ञानिकों ने जब इसका 3D मैप बनाया तो वह आई ऑफ सोरेन की तरह दिखता है। इस ज्वालामुखी का कालडेरा प्राचीन समय में लावा उगलता रहा होगा, जो अब ठंडा पड़ चुका है। इसके अलावा 2 और समुद्री ढांचे दिखे हैं, इन्हें टोलकिन्स मिडल अर्थ भी कहते हैं। द कंजर्वेशन की रिपोर्ट के मुताबिक ज्वालामुखी की आंख करीब 6 किलोमीटर लंबी है और 4 किलोमीटर चौड़ी है। इस कालडेरा का निर्माण ज्वालामुखी के निष्क्रिय होने के बाद और लावा के बह जाने के बाद हुआ है। इस कालडेरा के चारों तरफ दीवारें हैं, जिसकी अधिकतम ऊंचाई 384 फीट है, तो इसे आंखों की पलक जैसा आकार देता है। यह ज्वालामुखी ऑस्ट्रेलिया के मुख्य जमीन से 280 किलोमीटर दूर हिंद महासागर में करीब 10,170 फीट गहराई में स्थित है। इसकी खोज उन वैज्ञानिकों ने की है जो ऑस्ट्रेलिया के कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के रिसर्च वेसल इन्वेस्टिगेटर पर समुद्र में गए थे। इस वैज्ञानिक खोज की यात्रा के 12वें दिन ऑस्ट्रेलिया के आसपास हिंद महासागर के क्षेत्रफल में इस ज्वालामुखी की खोज की गई। शोधकर्ताओं ने बताया कि उन्होंने इस ज्वालामुखी का 3D मैप बनाने के लिए मल्टी बीम सोनार तकनीक का उपयोग किया है। राजधानी दिल्ली में सुबह हुई बारिश ने मौसम सुहाना बना दिया है। बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत भी पहुंचाई है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बारिश की तस्वीरें सामने आ रही है। आपको बता दें कि राजधानी में सोमवार सुबह से ही बादल छाए हुए थे, आज सुबह बरसने लगे। मानसून आने के बाद दूसरी बार बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। स्काईमेट के अनुसार अब आने वाले समय में मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है। अगले 3-4 दिनों तक बारिश होने की संभावना है।
बता दें कि बादल छाए रहने की वजह से सोमवार को अधिकतम तापमान में गिरावट रही, लेकिन उसम ने लोगों को काफी परेशान किया। सोमवार को अधिकतम तापमान 33.1 डिग्री रहा, यह सामान्य से 1 डिग्री कम है। वहीं न्यूनतम तापमान 28.3 डिग्री रहा, यह सामान्य से 1 डिग्री अधिक है। हवा में नमी का स्तर 70 से 87% तक बना रहा।